आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पलटन न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। असम से जो एनआरसी, एनपीआर और सीए का मसला शुरू हुआ वो मुल्क भर में लागू किया गया, और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरह से अपने तानाशाही रवैये से असम को चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, वो कहीं ना कहीं अब खुद ही औंधे मुंह गिरती हुई नजर आने लगी है। क्योंकि असम से एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सोनवाल को बड़ा ऑफर दे दिया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी छोड़ने और उनकी पार्टी को समर्थन करने से नई सरकार बनाने की कांग्रेस ने पेशकश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेकिया ने कहा है कि नई सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम और भाजपा विरोधी होगी। गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद असम कांग्रेस के नेता देवब्रंत सकरिया ने कहा है कि अगर सोनवाल अपने विधायकों के साथ बीजेपी छोड़ते हैं तो वो हमारे साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, नई सरकार के वह मुख्यमंत्री होंगे। सकरिया ने संवाददाता से कहा कि असम में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोनवाल को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। वह अपने 30 विधायकों के साथ निर्दलीय के रूप में सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। हम असम में भाजपा विरोधी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन करेंगे, फिर वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उधर असम गण परिषद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक रद्द किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बहाल करेंगे। यह पूछे जाने पर यह भी कहा गया है कि क्या वैकल्पिक सरकार ने सोनवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पर कांग्रेस का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। सक्रिय ने आगे कहा कि सोनवाल सीएम के समर्थन करने के कारण असम की जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। असम से प्यार करने वाले विधायकों, मंत्रियों को भाजपा छोड़ देना चाहिए। असम के लोगों के साथ आकर इन मंत्रियों को आकर खड़ा हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि राज्यसभा में पिछले साल 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और राज्य भर में लोगों की मांग थी कि इस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि असम में जिस तरह से मनमानी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं अब खुद ही उस जाल में फंसती हुई नजर आई। तो वहीं सोनवाल भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नाराज चल रहे हैं और वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। सोनवाल आखिरकार कुछ करते या नहीं करते, उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर सोनवाल को दे दिया है, जिस पर अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मक्कारियत से हर जगह सरकार बनाती हुई नजर आई है, वो खुद ही उस मक्कारियत के जाल में फंसती जा रही है, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। मैं ऐसी ही खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।